स्टूडेंट्स, बोर्ड पे एक शब्द लिखा है दूध, ठीक है। सगुन और शिवी के बीच में चैलेंज हो रहा है, हाथ रेस कर दीजिए, ठीक है। आपको पांच शब्द लिखने, जो भी आपके दिमाग में, स्टार्ट। देखते हैं दोनों में से कौन से बच्चे जीतेगी, कौन पहले कंप्लीट करेगा, देखते हैं। पांच, जैसे फिफ्थ वाला जिसका हो जाए वही जीत जाएगा। मानसी बताएगी हमें किसका पहले हुआ। मानसी ध्यान रखना, किसका पहले हुआ, स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए। वोटिंग हो रही है शिवी और सगुन के नाम की। स्पेलिंग देख लीजिए सब, आप भी करते रहो बेटा, करते रहो करते रहो करते रहो। स्पेलिंग देख लेते हैं, क्या क्या बनता है बता दो बेटे। सगुन क्या क्या बनता है? गाय से, ठीक है, मिलता है, ठीक। अच्छा, वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। क्या क्या लिखा है बताओ बेटा? दही, मावा, मक्खन की स्पेलिंग में आधा का और आएगा। तो बहुत बढ़िया, इससे हमें पता चला कि कोई भी शब्द हम जब सुनते हैं तो हमें कौन कौन सी नई नई चीज़ें दिमाग में आती हैं, ठीक है। तो दूध शब्द से आपने ये भी बताया कि कौन सी चीज़ें मिलती हैं, दूध कहाँ से मिलता है ये भी पता चल गया, और दूध खुद कैसा होता है, सफ़ेद रंग का होता ही नहीं होता है। चलो क्लैपिंग करो दोनों बच्चों के लिए, कोशिश अच्छी थी। लेकिन विनर कौन है, विनर कौन है? सगुन इज़ द विनर, वेरी नाइस, वेरी गुड।